नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बटन मशरूम बनाना सिखाऊंगा। तो बटन मशरूम बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं प्याज, लहसुन, मिर्च, जीरा। इन सबको हल्का हल्का हम लोग हल्के आंच में इसको भून लेंगे और इसको हम लोग तब तक भूनेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। तो इसमें मैं आप लोगों को आज बटन मशरूम बनाते हुए दिखाऊंगा। इसमें हल्का टमाटर भी काट कर डालेंगे और अन्य मिर्च मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और अन्य सारे प्रकार के मसाले का उपयोग करूंगा। तो आप लोग देखते रहिए मैं कैसे बनाता हूं मशरूम। और मेरे चैनल पे जो भी नए भाई बहन जुड़ रहे होंगे वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मेरे को और नए नए वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलता रहे। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में और देखते रहिए मेरा बटन मशरूम बनाने का तरीका। कैसा लगा दोस्तों मेरा बटन मशरूम बनाने का तरीका वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए और देखते रहिए। इसमें हम लोग हल्का टमाटर डालेंगे और इसको गलाएंगे और गलाने के बाद इसमें नमक डालेंगे और कुछ धनिया पाउडर डालेंगे और फिर बाद में मशरूम डालेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों मेरा अच्छा वीडियो। इसमें हम लोगों ने मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च मसाला हमने सारे चीज़ डाल कर इसको भून लिया है और इसमें हम लोग और ये लगभग हम लोग का मशरूम पक कर तैयार हो गया है। इसको आप लोग को अब मैं सर्व करूंगा। तो जिसको खाने का भी मन है वो मेरे घर आ सकता है और मेरे बनाए बटर मशरूम का मज़ा ले सकता है। तो दोस्तों इसको हम लोग ढक कर रखेंगे और ढक कर रखने के बाद कुछ देर पकाएंगे। उसके बाद पकाने के बाद आप लोग देख रहे होंगे एकदम मस्त लजीज तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग निकालेंगे और हल्का चावल के साथ खाएँगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर और अंत तक मेरे वीडियो जरूर देखिएगा ताकि मेरा वीडियो में व्यू आए। और मैं ये निकाल चुका हूँ और मैं इसको अब खाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे चैनल को जो भी नए होंगे वो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।